नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं सोच सकता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे हुए होंगे। आज फिर मैं भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ, आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 12th के चैप्टर 3 की बात करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है विद्युत विभव। हम अब तक के पिछले 2 अध्याय में देख चुके हैं कि आवेश क्या था, आवेश के गुणधर्म, आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और आवेश का संसूचन कैसे होगा। उसके बाद आवेश के कारण ने उसके समीप किसी अन्य आवेश पर बलों के बारे में हमने अध्ययन किया। बलों के बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर हमने अध्ययन किया। उसके बाद हम विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट समझ के आए और विद्युत फ्लक्स के बाद हमने गॉस नियम की बात की और जिसके अनुप्रयोगों में हमने अलग अलग प्रकार की अलग अलग आकृति के सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हमने स्थापित किए। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम विद्युत विभव की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, गुरुत्वीय बल और स्प्रिंग बल। गुरुत्वीय बल जब कंसेप्ट आया तो हमने ये पाया था कि गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल। और संरक्षी बल के संदर्भ में हम उनकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करते थे। स्थितिज ऊर्जा क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल कैसा था? गुरुत्वीय बल था हमारा संरक्षी बल। और संरक्षी बल वे बल होते हैं जो किसी वस्तु पर जब हम संरक्षी बल द्वारा उसको विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य केवल उसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, न कि उस गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर। तो हम जब यांत्रिकी में यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का सम थी, तो यांत्रिक ऊर्जा का जब हम कंसेप्ट लेके आते हैं और जब हम यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखना संरक्षी बलों की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस समय हमारे पास जो ऊर्जा का कंसेप्ट है वो अदिश राशि है, न कि सदिश राशि। यानी जब हम यांत्रिकी के अंदर ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो उस समय बलों का हम कोई भी किसी प्रकार का कंसेप्ट यूज नहीं करते, यानी बल को हम गौण कर देते हैं, एक नया कंसेप्ट ले आते हैं जिसको बोलते हैं ऊर्जा। जब क्यों? क्योंकि बल क्या है? एक सदिश राशि है और सदिश राशि की गणना के लिए हमें सदिश नियमों की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट नियम है, जबकि ऊर्जा हमारी कैसी है? ऊर्जा हमारी एक अदिश राशि है और अदिश राशि में हम साधारण बीजगणित के नियमों की पालना करते हैं। हमारे लिए सदिश नियम अच्छे होंगे या साधारण बीजगणित नियम? तो स्वाभाविक बात है कि अदिश राशि की गणना करना हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगी, क्योंकि सदिश राशि के लिए हमें दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है नियमों के साथ साथ, और इसके लिए विशेष नियम सदिश नियम की आवश्यकता है, जबकि अदिश राशि में हमें इस तरह की किसी भी दिशा वगैरह इस कंसेप्ट का हमें कहीं प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो यही देखा गया कि कुलाम के नियम में भी, कि कुलाम का नियम भी कैसा था? एक संरक्षी बल था और एक सदिश राशि है, क्योंकि बल है तो एक सदिश राशि है और ये सदिश राशि व्युत्क्रम नियम की पालना करती थी। हमने देखा था एफ इजिकल व्युत्क्रमानुपाती आर स्केयर होता है। जब एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्केयर है तो ये व्युत्क्रम नियम की भी पालना करता है और संरक्षी नियम भी है। तो इससे
अगर हम कुलाम के नियम से होने वाली घटनाओं का अध्ययन कुलाम बल से करेंगे, यानी सदिश नियम से करेंगे, और सदिश नियम से करेंगे तो वो प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। क्यों क्यों जटिल होगी, उसका कारण मैंने बता दिया कि प्रत्येक बिंदु पर हमें दिशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जब प्रत्येक बिंदु पर दिशा का ध्यान रखेंगे तो वो प्रक्रिया हमारे लिए स्वाभाविक रूप से जटिल होगी। तो हम क्या चाहते हैं, क्यों न इस जटिल प्रक्रिया से बचा जाए। इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए इन्हीं चीज़ों को हम किसी अदिश राशि के रूप में उसकी गणना कर सकें, और अदिश राशि से गणना आसान इसलिए होगी क्योंकि इसमें साधारण बीजगणित नियम लगेंगे और उसमें किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता और विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम इन घटनाओं की व्याख्या के लिए हम एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा हमारे लिए एक अदिश राशि है, और स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट से हम एक नई अदिश राशि लेके आएंगे जिसको हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव किसी भी बिंदु की स्थिति का अदिश फलन है, अदिश फलन है किसी भी बिंदु पर देखेंगे। क्यों, इसका मतलब हुआ जैसे V इंटू एक्स, ये हमारे फलन होते हैं। आप अगर थोड़ा सा आठवीं या दसवीं के गणित की तरफ जाएंगे तो वहाँ हम फंक्शन पढ़ते थे फलन एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह से। ये एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि जो ये एफ है हमारा फलन है, ये अगर एक्स में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दें तो इस फलन के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे x का मान 0 रख दें तो x की जगह 0 रखोगे तो 1 आंसर हो जाएगा। x की जगह अगर 1 रख दें, इस x को 1 कर दिया जाए तो यहाँ x की जगह 1 रखोगे 1 का स्केयर 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका सिंपल सा ये अर्थ है कि ये हमारा जो फलन है वो x का फलन है, और x यहाँ पर स्थिति हो सकती है। तो इसी प्रकार हम जो विभव लेंगे वो भी किसका फलन है, दूरी का फलन है, अदिश फलन है किसी भी स्थिति का। इसका ये भाव हुआ कि अगर हम स्थिति को परिवर्तित कर देंगे तो उसके लिए V का मान परिवर्तित हो जाएगा, और इसका व्यवहारिक महत्व ज़्यादा होगा। व्यवहारिक महत्व ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो इसकी गणना और भी आसान हो जाएगी। तो इसका व्यवहारिक महत्व विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी राशि सदिश है, और सदिश राशि की गणना फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी सदिश राशि की व्याख्या को आसान करने के लिए उसको हम अदिश राशि के फलन के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये हमारे लिए इजी टास्क रहेगा और बहुत आसान प्रक्रिया रहेगी। तो इस भाव से हम एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत विभव। तो अब हम इस विद्युत विभव को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक मूल आवेश है क्यू, यानी इसको स्रोत आवेश भी कहेंगे, यानी ये हमारा मुख्य आवेश है जिसके कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र के अंदर आने वाला कोई भी प्रेक्षण आवेश से इस आवेश के कारण बल का अनुभव करेगा, और बल का अनुभव करेगा। हमने ये एक पी बिंदु लिया जिस पर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा हुआ है। जैसे ही ये इस पी बिंदु इसके क्षेत्र में होगा, स्रोत आवेश के क्षेत्र में होगा, तो इसके ऊपर स्वाभाविक रूप से विद्युत बल यानी कुलाम का बल आरोपित होगा, और कुलाम का बल ये धन आवेश है तो कुलाम के बल बाहर की ओर लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके कारण क्यों स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये धन आवेश है तो बाहर की ओर होगी, और बाहर की ओर होगी, और यहाँ क्या रखा हुआ परीक्षण आवेश, तो इस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू जीरो इंटू ई, और बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा बल होगा उसकी दिशा हमें पता लग गई कि ये बाहर की ओर बल की दिशा होगी। ये हमने एक बिंदु बी लिया, एक बिंदु बाहर हमने ए ले लिया। हम क्या चाहते हैं कि जितना ये बल लगा हमारा स्थिर वैद्युत बल लगा जो इस बल के बराबर मान का, यानी जितना ये बल लगा समान परिमाण में
कोई बाह्य बल हम प्रयोग करें, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश को बाहर जाने से रोक देगा। तो इस परीक्षण आवेश क्यों, क्योंकि ये जो हमारा बाह्य बल है ये इस परीक्षण आवेश को इधर भगाने की कोशिश करेगा। तो ये इस दिशा में भागे या इस दिशा में गतिशील हो, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ही बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं कि इसके बराबर का आवेश इस क्यू जीरो पर इस प्रकार लगाएं कि ये ए बिंदु से बी बिंदु तक ये गतिशील हो जाए। त्वरित नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्वरित होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आवेश त्वरित अवस्था में आ जाएगा, और त्वरित आवेश के कारण हमारे कई अन्य प्रभाव भी सक्रिय हो जाते हैं, अन्य प्रभाव भी उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब आवेश गतिशील हो जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और अगर आवेश त्वरित हो तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ इस आवेश को त्वरित किए बिना स्रोत की ओर गति कराना चाहेंगे, यानी यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गति कराना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारा कूलाम बल था ये तो इसको बाहर की ओर लेके गया, तो हम इस के विरुद्ध का बल आरोपित करेंगे जिसको ई एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। ये हमने कहा कि एक परीक्षण आवेश Q0 है, ई विद्युत क्षेत्र के में किसी बिंदु P पर रखा है, ये P बिंदु है, यहाँ परीक्षण आवेश रखा है, तो इसके ऊपर ये बल लगेगा और ये बल क्या करेगा, इसको बाहर की ओर गतिशील कराने का प्रयास करेगा। हम इसके विपरीत एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको स्रोत की ओर गतिशील कराने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर बाह्य बल आरोपित करेंगे तो कोई ना कोई कार्य होगा, यानी इस बाह्य बल के द्वारा परीक्षण आवेश को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, डब्लू से कार्य को लिख दिया, ए से बी तक हमने विस्थापित कराया। हमें पता है कि ए से बी तक विस्थापित करने के लिए क्या हो जाएगा, एफ बल एक्सटर्नल हमने यूज किया है इंटू डी आर समाकलन ए से बी। इस कंसेप्ट को भी मैं समझा देता हूँ। हम चित्र पे दोबारा जाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा विस्थापित किया हमने, डी आर विस्थापित किया, और बल हमारा ये लगा एफ ई एक्स टी। तो जब थोड़ा सा विस्थापित करोगे तो कार्य भी तो थोड़ा होगा ना, डी डब्ल्यू होगा, यानी अल्प विस्थापन के लिए आरोपित या किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के इसके बराबर हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर डॉट में, सदिश राशि हैं ये दोनों तो सदिश लगा दें। ये तो इतना सा कार्य हुआ। हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि ये आवेश हमारा ए बिंदु से बी बिंदु तक गतिशील हो, और ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा कहीं भी ये टुकड़ों में नहीं आता, ऐसे टूट टूट के नहीं आता, आवेश आएगा तो वो सतत रूप से गतिशील होगा। ये पथ है हमारा, लगातार पथ है, और जब लगातार पथ हो, सतत रूप से हो, तो हम उसके एक छोटे से भाग को लेते हैं। ऐसे देखोगे तो छोटे 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 इसमें बहुत सारे अल्पांश बनेंगे, और किया गया कुल कार्य सभी अल्पांशों के योग के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा जो पथ है वो सतत रूप में हो तो हम क्या करते हैं, समाकलन यूज करते हैं। अगर विविक्त रूप में हो तो हम सिमेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कैसा है, हमारा पथ सतत रूप में है, और जब सतत रूप में होगा तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक गए हम, ए बिंदु से, तो लिमिट क्या रखेंगे, ए से बी तक गए हैं, तो ये डी से हमारा ये कट जाएगा, तो संपूर्ण कार्य किसके बराबर हो जाएगा, हमारा संपूर्ण कार्य डब्लू बराबर है समाकलन ए से बी एफ ई एक्स टी डॉट डी आर, ये हमारा संपूर्ण कार्य हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ये इस तरीके से हमने ये संपूर्ण कार्य की व्याख्या की है। लेकिन हमें इस बात का पता है कि एफ ई एक्स टी बराबर है माइनस एफ ई, यानी दोनों के दोनों परिमाण में समान हैं, क्योंकि हमने ये बात कही है कि इसके ऊपर लगने वाला बाह्य बल एफ ई था, लगने वाला विद्युत बल एफ ई था, इसके विरुद्ध हमने बल कौन सा लगाया है, एफ ई एक्स टी, ताकि इसके विरुद्ध कार्य किया जाए, और विरुद्ध शब्द है तो इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह होगा, यानी दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो एफ एक्सटर्नल की जगह एफ ई रख सकते हैं हम, यहाँ एफ ई एक्स की जगह क्या रख देंगे,
हम ये एफ ही रखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए से बी, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, यहाँ एफ ई इंटू डी आर डॉट में आ जाएगा। एफ ई का मान क्या था, क्यू जीरो इंटू ई, ये एफ ई का मान है, ये रख देंगे। ये जैसे ही रखोगे तो आपका मान क्या हो जाएगा, डब्लू कार्य किया गया कार्य क्यू जीरो ई डॉट डी आर। क्यू जीरो को बाहर ले लो क्योंकि दैट इज कॉन्स्टेंट, क्यू जीरो परीक्षण आवेश का मान है, इसको हमने बाहर रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू जीरो समाकलन ए से बी ई डॉट डी आर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ए से बी तक किया गया कार्य है। बाह्य बल द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये बात हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि बाह्य बल द्वारा किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य है उस में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा यह कार्य। जब ये संचित हो जाएगा तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग होगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आवेश कण में एक निश्चित विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा क्यू आवेश था, तो ये अगर विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ हमने क्यू जीरो रखा तो यहाँ एक विशेष उसकी ऊर्जा रहेगी। अगर हम बी बिंदु पर रखते हैं तो बी बिंदु पर उसकी अलग स्थितिज ऊर्जा होगी, सी बिंदु पर लेके आओगे तो यहाँ पर उसकी अलग स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन है, ध्यान रखना ये पोजिशन फंक्शन है, यानी जैसे जैसे पोजिशन चेंज होगी तो उसके मान भी परिवर्तित होंगे। तो जैसे ए बिंदु पे था पहले तो ए बिंदु पे इसकी अलग स्थिति ऊर्जा होगी, बी बिंदु पे लेके आए तो बी बिंदु पे इसकी अलग स्थिति ऊर्जा होगी। तो ये कहना चाहता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, पर आवेशित कण में एक निश्चित पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा होती है। तो हमने क्या किया है, ए से बी तक लेके आए हैं और प्रतिकर्षण के विरुद्ध लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारा स्रोत आवेश था वो क्यू जीरो को बाहर की ओर धकेल रहा था इस दिशा में, और हम इसके विरुद्ध लेके आए हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या था, प्रतिकर्षण बल, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में लेके आए हैं हम इसको। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रतिकर्षण के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया गया है वो दोनों बिंदुओं की स्थिति ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा, यानी पहले ए बिंदु था, यहाँ बी बिंदु था, यहाँ अलग स्थिति ऊर्जा है, यहाँ अलग स्थिति ऊर्जा है। जब हम यहाँ से यहाँ लेके आए तो जितना कार्य किया गया वो कार्य इन दोनों बिंदुओं के ऊपर, इन दोनों बिंदुओं पर स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कंसेप्ट यहाँ से ले आएंगे कि जो कार्य ए से बी तक हमने किया है वो स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होगी, अंतिम स्थिति ऊर्जा, अंतिम कहाँ है, बी बिंदु पे लेके आए, माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, पहले कहाँ था, ए, क्योंकि हम ए से बी लेके आए हैं तो ए बिंदु पर स्थिति ऊर्जा और बी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा क्रमशः यू ए व यू बी है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा मान है, और डब्ल्यू ए बी का मान हम समीकरण एक से उठा के रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यू बी माइनस यू ए बराबर है समाकलन ए से बी माइनस का क्यू जीरो ई डॉट डी आर। ये हम समीकरण दो नाम रख देंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र जो हमारा था, इस स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र इतना था, इसके बाहर बिंदु हो हमारा ये, वहाँ से लेके इसके बिंदु के अंदर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए किसी बिंदु पर, पहले तो हम क्या कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके आए। अगर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इसके विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, इसके बाहर बिंदु ए हो, तो इसको बोलेंगे अनंत, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो हम क्या करेंगे, ए बिंदु को अनंत पर मान लें, और अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, जीरो। स्थिति ऊर्जा जीरो क्यों होगी, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र का वहाँ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, और जब इस विद्युत क्षेत्र का वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा तो किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। इसलिए अगर बिंदु ए हमारा अनंत दूरी पर है तो उस समय स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी,
शून्य हो जाएगी, अर्थात u अनंत का मान जीरो होता है। तो हम क्या लिख देंगे अब इसको, जो a बिंदु है वो अनंत पे है, तो w अनंत b डेल्टा u b के बराबर हो गया। ये समीकरण तीन, यह कार्य विद्युत क्षेत्र में b बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। देखो कितनी अच्छी बात लिखता है ये, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जीरो, तो यू बी माइनस जीरो बराबर है यू बी, ये किसके बराबर होगी, यू बी के, और यू बी किसके बराबर होगी, माइनस क्यू जीरो समाकलन अनंत से लेकर बी ई डॉट डी आर। अब ध्यान देने की बात है, ये हमारी जो ऊर्जा है ये किया गया कार्य है, ये ऊर्जा है किस ऊर्जा की, किसकी कौन सी ऊर्जा है, सिर्फ बी बिंदु की स्थिति ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा ये पूरा का पूरा मान। जब हम ए से बी ले रहे थे, जब यहाँ मैंने ए लिया था तो ए से बी लिया था तो दोनों के ऊर्जाओं का अंतर था, अब हमारा ए नहीं है, अब हमने ए को हटा दिया, अब क्या है अनंत से लेके किसी बिंदु पे लेके आए, तो जी विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु उपस्थित है उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा को ये प्रदर्शित करेगा। ये आज का हमारा बहुत अच्छा कंसेप्ट था, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। अब मैं बात करता हूँ विद्युत विभवांतर, यानी विभव से विभवांतर का कंसेप्ट हम लेके आएंगे अब कि ये है क्या। देखिए अब हमने क्या किया है, एकांक आवेश को लेके आए हैं, यानी विभवांतर का कंसेप्ट क्या है कि कार्य किया हमने ए से बी तक लाने में, किसको लेके आए हम, आवेश क्यू जीरो को। अगर ये आवेश एकांक आवेश हो, कितना आवेश हो, एकांक आवेश हो, इसको लाने में अब दो बात समझना, ये हमारा एक आवेश था क्यों, ये इसका विद्युत क्षेत्र था, यहाँ तक ये ए बिंदु था ये बी बिंदु था, ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक हमने लाना है किसको, परीक्षण आवेश एकांक आवेश को। जो कार्य किया जाएगा इस परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र के अंदर, ये ध्यान रखना क्षेत्र में है दोनों बिंदु, ए से बी तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य विभवांतर के बराबर होगा, विभव नहीं विभवांतर, यानी क्यों, क्योंकि ऊर्जा का कंसेप्ट देखिए, हमने क्या कहा था, ए से बी तक जब हम आएंगे, ए से बी तक जब हम आएंगे तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा ए से बी तक आने में वो इन दोनों बिंदुओं की स्थिति ऊर्जाओं का अंतर होगा। तो अगर इसका विभव वी ए है और इसका विभव वी बी है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें जब किसी एकांक आवेश को लाना है तो वो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होगा, और विभव का अंतर विभवांतर होता है। तो इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों हमारे विद्युत क्षेत्र में होने चाहिए, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ये विभवांतर की परिभाषा है, पेपर में पूछी जाती है ये परिभाषा, क्या कह रहा है ये कि विद्युत क्षेत्र में होने चाहिए, ये हमने गोल चक्कर बना दिया एक, ये हमने एक बंद पृष्ठ बनाया है कि ये विद्युत क्षेत्र की सीमा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश क्यू जीरो को एक बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य है इन दोनों बिंदु, दोनों कौन से, ए और बी, ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। अब इसका सूत्र देख लेते हैं, हम ए से बी लाए या बी से ए लेके आए, तो पहले बिंदु फर्स्ट बिंदु माइनस सेकंड बिंदु का विभव किसके बराबर हो गया, कार्य बटे क्यू जीरो, ये इसके बराबर हो गया, ए बी कहो तो ए बी कह लो इसको। तो विभवांतर क्या है, ये ए बिंदु का विभवांतर है वी ए, वी ए का मतलब हो गया, वी ए का मतलब हो गया ए बिंदु का विभव, वी बी का मतलब हो गया बी बिंदु का विभव। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो विभव का मात्रक क्या है, कार्य बटे आवेश, ऊपर तो W है नीचे आवेश है, कार्य क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो हमें पता लग गया क्या मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम, और इसका दूसरा मात्रक है SI मात्रक है वो वोल्ट होता है, विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है,
और दूसरा मात्रक इसका जूल प्रति कूलम है। अब देखिए, अब ये कहता है विभवांतर एक वोल्ट कब होगी, एक वोल्ट कब हो सकती है, जब ये भी एक जूल कार्य हो और एक कूलम आवेश हो, तभी तो होगा ना, एक को एक से भाग दोगे तो एक आंसर आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये आवेश कितना है, एक कूलम। इसी से हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसकी परिभाषा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एक कूलम आवेश को, ध्यान रखना कितना आवेश लाए हैं, एक कूलम, कार्य कितना किया हमने, एक जूल, ये बात ध्यान रखनी है, ये दो शब्द हमें ध्यान रखने, एक कूलम आवेश और एक जूल कार्य किया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, एक वोल्ट। ये इसकी परिभाषा हम बना देंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरी बात आएगी विभव, वो तो था विभवांतर, विभव में क्या अंतर आ जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा कि हमने ये विद्युत क्षेत्र लिया है, एक बिंदु इस विद्युत क्षेत्र में है और एक बिंदु हमारा अनंत पे है। अनंत होने का मतलब क्या है, अनंत होने का मतलब है कि हमने जो बिंदु है विद्युत क्षेत्र के बाहर लिया है। अब क्या होगा, इस अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, जब हम ऐसे लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो विभव कितना है, शून्य, तो ये विभव उस कार्य के बराबर हो जाएगा, वही परिभाषा हमारी बन जाएगी। यानी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका भी सूत्र वही हो जाएगा, विभव को V से लिखेंगे, ये कार्य हो गया और ये हमारा Q0 आवेश, परीक्षण आवेश हो गया। इस बात का हमें ध्यान रखना, अगर अकेला V आया है तो ये आवेश अनंत से किसी बिंदु A पे लेके आए हैं, अगर ये हम हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके आए हों, जैसे मान लीजिए अब अनंत की बजाय हम ए से बी पे लेके आए हों, तो ये डेल्टा वी हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। अब इसके विमा सूत्र देख लेते हैं, विमा सूत्र क्या है हमारा, हम विमा सूत्र रटेंगे नहीं, हम विमा सूत्र बनाना सीखेंगे। देखिए विभव या विभवांतर का क्या होता है, कार्य बटे हुए आवेश, ये हमारा सूत्र होता है। इसे बेनिफिट हमें क्या मिलता है, हमें एक तो सूत्र याद हो जाएगा, दूसरा उससे सूत्र से हमें विमा सूत्र निकालने आ जाएंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, जूल प्रति कूलम। ये दो चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। और छोटा तोड़िए तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। देखो वी बराबर क्या हो गया, डब्लू बटे क्यू, कार्य क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, और ये आवेश क्यू है ही। बल क्या होता है, बल का मात्रक हमें पता है न्यूटन होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका मात्रक हमें पता है एम्पियर गुना सेकंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन है तो इसका विमा सूत्र बल का क्या होता था, एम वन एल वन टी माइनस टू। लो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि V बराबर है बल गुणा विस्थापन बटे हुए आवेश। अब इनके विमा सूत्र लिखता हूँ, देखो सबसे पहले हम बल का विमा सूत्र लिखेंगे। बल का विमा सूत्र होता है m1 l1 t माइनस टू, ये बल का विमा सूत्र है। यह आगे विस्थापन है, दूरी का क्या होता है l1 बटे हुए आवेश का क्या था a1 t1, इनको हमने एडजस्ट करना है। अब इसमें देखिए m कितने आए हैं, m एक आया है तो m1 हो जाएगा, l कितने आए हैं, एक ये है l और एक ये बाहर है, तो L की एक पावर ये है एक, ये कितनी हो जाएगी L की टू। T कितने हैं, ऊपर दो है माइनस के, नीचे प्लस का एक है, इसको भी ऊपर लेके आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के तीन। A कितने हैं, एक है नीचे है प्लस का, ऊपर आएगा तो माइनस का। तो फाइनली हमारा क्या सूत्र बन जाएगा, M1 L2 T टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हमारा विमा सूत्र हो जाएगा। विभव या विभवांतर का सीजीएस मात्रक क्या होगा, देखो सीजीएस मात्रक भी दो तरह के हैं हमारे, एक तो स्थिर वैद्युत की में है, एक विद्युत चुंबकीय में है। स्थिर वैद्युत की में है स्टेट वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की होता तो स्टेट वोल्ट, और जो विद्युत चुंबकीय होगा तो एब वोल्ट बोलते हैं। इन दोनों के संबंध देख लो, एक वोल्ट बराबर है एक बटे 300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। बहुत सारे बच्चों के ये कन्फ्यूजन रहता है
कि वो ये सोचते हैं कि सर हमें ये बताइए कि ये पता कैसे लगे कि ये हमारे स्टेट वॉल्ट हैं या कौन से हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ। हम CGS मात्रक की बात कर लेते हैं। CGS मात्रक विभव का सूत्र देखिए, V बराबर है, ऊपर तो क्या था कार्य, कार्य का मात्रक क्या था जूल, जूल तो ऐसा ही मात्रक है। CGS मात्रक क्या होता है अर्घ, हमने 11th क्लास में पढ़ा था एक जूल को अर्घ में बदलो, एक अर्घ बटे हुए। नीचे क्या था SI मात्रक कुलाम, छोटा मात्रक क्या होता है स्टेट कुलाम, एक स्टेट कुलाम, ये हमने मान रख दिए। इनके मान रख लो ना, तो एक अर्घ और एक स्टेट कुलाम का भाग देंगे तो वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, एक स्टेट वोल्ट के बराबर है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा एक स्टेट वोल्ट। अब इसका हम संबंध उसके साथ देख लेते हैं स्टेट वोल्ट का, हमें ये पता लग गया। अब देखिए एक वोल्ट है, एक वोल्ट बराबर है किसके बराबर हो गया एक जूल बटे हुए एक हमारा कुलाम। अब छोटा बदल लें इसको, एक जूल को अर्घ में बदलो, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 10^7 अर्घ होते हैं। कितने होते हैं 10^7, ध्यान रखना 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में दो टॉपिक आते थे, एक आता था कि एक न्यूटन बल को डायन में बदलिए और हम डायन 10^5 बोलते थे, और एक जूल कार्य को अर्घ में बदलिए, एक जूल बराबर होता था 10^7 अर्घ बटे हुए। एक कुलाम को स्टेट कुलाम में बदलना, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 3×10^9 स्टेट कुलाम होता है। अर्घ बटे स्टेट कुलाम क्या हो गया हमारा, ये स्टेट वोल्ट हो गया। और इसको सोल्व कर लो, 10^7 है ये 9 है, नीचे 2 बचेगी, 2 बचेगी तो क्या बचेगा एक वोल्ट बराबर है 1/3×10^2 स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। तो ये 10^2 का मतलब 100 × 300, तो कितना हो गया एक वोल्ट बराबर है 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर हो गया हमारा। आर पार गुणा कर लो, एक स्टेट वोल्ट किसके बराबर हो गया 300 वोल्ट के बराबर। तो ये हमारा मैंने यहाँ लिख रखा है एक स्टेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ये कन्वर्जन समझ में आना चाहिए। दूसरा कहता है कि एक वोल्ट 10^8 एब वोल्ट के बराबर होता है, ये भी हम देख लेंगे। ये एब वोल्ट क्या होता है इसको देखना है पहले हमने, मैं अब कन्वर्जन सिखा देता हूँ आपको। एक एब वोल्ट, एब वोल्ट बराबर है ये किसके बराबर होगा, देखो CGS मात्रक है ये, तो ऊपर तो कार्य का मात्रक क्या जाएगा एक अर्घ बटे हुए, नीचे क्या आएगा एक एब कुलाम आएगा, एक एब कुलाम पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एक एब कुलाम किसके बराबर होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक एब कुलाम हमारा कुलाम के साथ संबंध देखोगे तो 1/10 के बराबर होता है, यानी एक एब कुलाम बराबर है 10 कुलाम के बराबर होता है, 10 कुलाम के बराबर। तो हम कन्वर्जन कर देंगे, तो देखिए एक वोल्ट बराबर है, ऊपर तो क्या था एक अर्घ एक जूल बटे हुए एक कुलाम। अब इसको कन्वर्ट कर लें, एक जूल में कितने होते हैं 10^7, कितने होते हैं 10^7 अर्घ होते हैं, और एक कुलाम किसके बराबर था 1/10 एब स्टेट के, 1/10 एब स्टेट गुलाम के। ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 7 पहले प्लस का एक ही हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 10^8 एक वोल्ट बराबर है 10^8 एब वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, तो हमें आसानी से इस बात का पता लग जाता है। दूसरे एक तरीका और है, स्टेट वोल्ट और एब वोल्ट में संबंध देखना हो तो इस वोल्ट का मान उठा के इस वोल्ट में रख दो तो क्या बन जाएगा एक स्टेट वोल्ट बराबर है 300 तो पहले है और 10^8 ही आ जाएगा, और एब वोल्ट लिख देंगे एब वोल्ट। देखो ये 2 जीरो और इसके साथ रखोगे तो कितना जाएगा 3×, ये 2 जीरो का मतलब है 10^2 है ये, और 8 पहले है तो 10^10 एब वोल्ट के बराबर हो जाएगा, एब वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
ये आज का हमारा टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेस है हमारा, हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लगातार बने रहें हमारे साथ और आपको इसी प्रकार टॉपिक मिलते रहेंगे और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। एक बार फिर आप हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।